बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वेलकम करता हूँ आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में और होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ दो बहुत ही कमाल के डू फॉलो बैक लिंक 97+ जिनका डीए है। एक का तो कम है लेकिन एक का जो है वो 97 जो है वो डीए आपको शो कर रहा है और साथ में उसमें लिंकिंग भी बहुत कम हो रखी है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि इस तरीके से वहाँ पर लिंकिंग हो सकती है। एक किस्म का मैं कह सकता हूँ क्वालिटी डू फॉलो बैक लिंक है और साथ में यूनिक डू फॉलो बैक लिंक है। जी हाँ दोस्तों, सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। यार आप लोगों के लिए इस तरह के हाई डीए वाले बैक लिंक्स ढूंढने में यार काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, तो इन सब का बदला जस्ट आप लोगों से ये चाहिए कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमें भी थोड़ा सा लगे कि हाँ यार हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट लिंक यहाँ पर आता है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आता है addons.mozilla.org। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। जब मैं moz.bar पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप लिंकिंग इसकी देखें कितनी कम हो रखी है, ठीक है, बहुत लिमिटेड लोगों को पता है। यहाँ पे देखें जस्ट 21 लिंक्स यहाँ पे जो है वो इंडेक्स हो रखे हैं। पीए यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप इसका स्पैम स्कोर देख सकते हैं। डीए जो मेन चीज़ आती है वो है 97 और यहाँ पे अगर हम इसकी सिमिलर वेबसाइट में यहाँ पे इसको चेक करें तो कैटेगरी रैंक 20 आता है, 240 इसका कंट्री रैंक है, 573 यहाँ पे ग्लोबल रैंक आपको देखने को मिल रहा है। और अगर इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे देखें 99.80 मिलियन यहाँ पे आपको इसका मंथली एवरेज देखने को मिल रही है। यहाँ पे 3 मिनट स्टे करते हैं लोग और साथ में एक जर्मनी और चाइना और यूनाइटेड फ्रांस जैसी कंट्री से यहाँ पर आपको ट्रैफिक देखने को मिल रही है जो कि डायरेक्ट और सच से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये सब तो यहाँ पर क्लियर होता है। अब यहाँ पर आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है जो लोग यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस अकाउंट बना रखा है, आपने जो है यूज़ डिफरेंट अकाउंट पे, मैं फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने मेल डालनी है, जैसे आप मेल डालेंगे, मेरी ऑलरेडी है तो मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा लेकिन आपसे पासवर्ड मांगेगा तो आपने पासवर्ड दे के जो है इस में लॉगिन हो जाना है, ठीक है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक और यहां पे आपने एडिट माय प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मेन चीज यहां पे आती है, आप लोग ढूंढोगे भाई वेबसाइट का तो कहीं पे ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन गाइस मैं आपको बताता हूं कि कहां पे आप जो है वो अपना लिंक यहां पे डाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पे आपने देख लेना, यहां पे आप मैनेज फायरफॉक्स अकाउंट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, वैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया था, मैं आपको यहां पर जाकर दिखा देता हूं, वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, ठीक है, और पासवर्ड वगैरह आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। ओपेरा में ये जो जहाँ जहाँ ओपन हुआ है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, और कनेक्टेड सर्विस यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी नहीं। हमने सिंपली बैक चले जाना है, ठीक है, यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। मैं आपको लिंक इंडेक्स करने का तरीका बता देता हूँ। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं होम पेज का आपको ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली यहाँ पर आपने अपना जो है वो लिंक पेस्ट करके यहाँ पर आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है और आपने जो है क्रिएट माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। मैंने मेल डाली हुई है इस वजह से नहीं, और आपने अपना यूआरएल डालना है तो आपका जो है यहाँ पे ये एक बैक लिंक बन जाएगा। जो हमारा थर्ड बैक लिंक है वो यहाँ पे आपके सामने आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं discogs.com, ठीक है, यहाँ पे ये वेबसाइट आती है discogs.com। यहाँ पे आपने सिंपली रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। वेट करने के बाद गाइस यहाँ पे ऊपर आपने अपना यूज़र नेम डालना है, ठीक है, और नीचे आपने यहाँ पे मेल डालनी है, पासवर्ड डाल के आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, और मेरा ऑलरेडी अकाउंट जस्ट इस वजह से बना होता है गाइज क्योंकि मैं जो है आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ कि किस तरह से जो है आप अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट उस चीज़ को मैं खुद ट्राई करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। वेट करने के बाद जो है हमारा अकाउंट जो है यहाँ पर वो क्रिएट होके आ जाएगा कुछ इस तरह से। आपने अपनी मेल को जो है वो वहाँ से कन्फर्म कर लेना है, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी समझाता हूँ ताकि वीडियोज़ भी ज़्यादा लंबी ना हुआ करे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये अकाउंट बन गया, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम इसका जो है वो डीए चेक कर लेते हैं।
लिंकिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा नहीं हो रखी है, यहाँ पे 58 का यहाँ पे पी आ रहा है, 91 का डी आ रहा है और स्पैम स्कोर भी जीरो है, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारे बैकलिंक के लिए। यहाँ पे सिमिलर वेबसाइट में इसको जो है हम चेक कर लेते हैं, सिमिलर वेबसाइट में इसके कैटेगरी रैंक देख सकते हैं, कंट्री और ग्लोबल रैंक भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर मंथली विजिट देख सकते हैं आपको 46.60 मिलियन जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। और यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है वो है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यहाँ पर आपको 10 मिनट की देखने को मिले, जो कि यूज़र आते हैं यहाँ पे 10 मिनट इस वेबसाइट पे स्टे करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड से आपको जो है वो ट्रैफिक मिल रही है और वो सर्च से आ रही है, यानी कि यहाँ से आपको ट्रैफिक भी मिल सकती है आपकी वेबसाइट के लिए। सिंपली आपने करना क्या, आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट का भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता, सो यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल सब कुछ जो है वो कर लेना है, मतलब कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको होम पेज का ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शनल है, सब चीज़ें वैसे ऑप्शनल, लेकिन यहाँ पे आप जो है अपनी अपनी वेबसाइट का लिंक डाल के सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और देखें, योर होम पेज इज़ नॉट ए वैलिड यूआरएल, आपने यूआरएल डालना है क्योंकि मैंने मेल डाली है। आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल के सेव चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो इंशाल्लाह एक दो मिनट में जो है आपका जो बैक लिंक है वो इंडेक्स हो जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी, अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकबान।